क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपनी। यूरो नेक्स्ट में 50 से स्टार्ट। एशियार एकेडमी नजफगढ़ M27 ये स्कूल या। चलिए बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अपना फर्स्ट जो करो तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि अब हमें क्या करना है, इन सब में कुछ मैचिंग करना है। जैसे कि ओनली फर्स्ट वाले में है क्या, ओनली नीचे कहीं लिखा हुआ है, ओनली कहीं लिखे लिखा हुआ है। अंशु डागर का आंसर आ चुका, चल गई क्लास, चल गई अब सही चल रही है। ये नेटवर्क अभी बहुत दिक्कत करता है। उसके बाद है मोर। तो देखो मोर का हमारा क्या होगा, मोर का है अपना एट द रेट है और हैच है, कि जो मोर का कोड है, मोर का हमारा कोड क्या है, एट द रेट है और क्या है, हैच है। तो देखिए मोर का अपना फर्स्ट वाले ऑप्शन में हैच आपको गिवन है और साथ में आपको एट द रेट भी गिवन है। तो मोर का जो आपका आंसर होगा एट द रेट और हैच दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में एट द रेट और हैच में से कोई एक चीज आपको गिवन है। उसके बाद में सी ऑप्शन में ना, तो सी ऑप्शन तो गलत हो ही चुका है। डी ऑप्शन में ना ही तो आपको ये एट द रेट गिवन है ना, और ना ही आपको हैच दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका इस वजह से गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर जी हंसिका वर्मा बिल्कुल। बात क्या है कि वाईफाई मैंने घर में लगवाया हुआ था, कल क्या हुआ, कल वो तार टूट गया वाईफाई का। ये बंदर वगैरह बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो गांव में थोड़े बंदर हैं इस वजह से। तो कल तार टूट गया, वो ठीक भी करके गए थे, पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आज अब तो ठीक चल रहा है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, चेक करिए, चेक करके बताइए। हंसिका वर्मा बी, कि अपने हौसले जो है हौसलों को बुलंद रखिए और पढ़ते रहिए, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, है ना। हम जितनी मेहनत करेंगे कि बिना शोर के मेहनत करते रहो, मेहनत अपने आप शोर मचा देगी, फिर कि आपकी जो कामयाबी है वो इतना शोर मचा देगी कि लाजवाब मजे आ जाएंगे। बताइए इस वाले क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या क्या आ रहे हैं आपके, फिर इसे सोल्व करते हैं। इसमें भी हमें उसी तरीके से सोल्व करना है, कॉमन फाइंड आउट करके ही। जैसे कि फर्स्ट वाले में देर लिखा है, क्या कहीं देर लिखा है, देर कहीं और लिखा है, हाँ जी देर जो है वहां यहाँ लिखा हुआ है, ये देर लिखा है, देर आपका सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देर आपका लास्ट वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो इन चार में आपका देर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का बी। ठीक ठीक समझ गया अंशिका वर्मा, ठीक है। तो देयर देयर यहाँ पे है, अब तीनों में आपको मैच करना है, तीनों में क्या है, फर्स्ट वाले पी ए हो जाएगा,
अब हम बाकी के कोड को चेक करते हैं कि बाकी का कोड क्या होगा। जैसे कि यहाँ इज लिखा है, इज किसी और में नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में नो है और किसी स्टेटमेंट में नो नहीं लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका कॉमन लिखा है और कॉमन ही आपका थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इन दोनों में और हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, मतलब एक जैसा नजर नहीं आ रहा है। तो कॉमन का मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। कॉमन का आपका अर्थ क्या हो जाएगा, कॉमन का हो जाएगा आपका मीन्स। अब चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट से, तो द का क्या है पता नहीं, तो यहाँ पे है ये द है और यहाँ पे भी द। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, तो कोड फोर, यहाँ पे फोर भी कॉमन है, फोर इसमें है और फोर इसमें है, बाकी कहीं पे द और फोर नहीं लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं, इसमें नो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपका नो लिखा हुआ है, इसमें जी ए लिखा हुआ है, इसमें भी जी ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है। अब साथ में आपका फिर यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, तो अब हम सेकंड को चेक करते हैं। तो देखिए सेकंड यहाँ पे है, सेकंड यहाँ लिखा गया है और साथ में सेकंड आपका यहाँ पे भी लिखा गया है। तो आपका सेकंड का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या नजर आ रहा है आपको, ए आई और ए आई आपको नजर आ रहा है ना। तो नजर क्या आ रहा है हमें, ए आई और ए आई नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक 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 है। तो देखो कॉमन, कॉमन का कोड हमारा क्या था, कॉमन का कोड है हमारा ओ ए, कॉमन का कोड क्या है हमारा ओ ए कोड है, कॉमन का कोड जो है वो हमारा क्या है ओ ए कोड है। चलिए अब हम अपने आंसर्स को चेक करते हैं कि किसका क्या आंसर हमारा बनेगा। फर्स्ट वाले में क्या लिखा गया है, सेकंड, तो सेकंड वाले का हमारा क्या कलर है, ये रेड कलर है, तो सेकंड का आंसर आएगा ए आई, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है ए आई। फिर बाद में कॉमन, कॉमन किस में है, कॉमन है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में क्या है आपका ओ ए, तो ओ ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है फोर, तो फोर में लिखा है एन ओ जी ए, वही फोर का आंसर क्या हो सकता है, एन ओ जी ए दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा है एन ओ जी ए, या तो एन ए होगा या फिर क्या होगा जी ए, तो ऑप्शन जो है ए वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इसलिए टिक नहीं कर सकते, क्या पता फोर का आंसर जी ए होता इसलिए एन ओ को टिक नहीं करेंगे, जी ए इसलिए टिक नहीं करेंगे क्या पता एन ओ होता, और के ए तो आंसर है ही नहीं, के ए आंसर किसका है, के ए आंसर है कोड का, और कैन नॉट डिटरमाइन हो नहीं सकता क्योंकि हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद फिर लिखा गया है द, तो अब की बार यहाँ पे द, द यहाँ पे है और द का आपका कोड क्या है, द का कोड हमारा है एन ओ और जी ए, एन ओ और जी ए, तो हर एक में कहीं ना कहीं या तो एन ओ होना चाहिए या फिर जे ए होना चाहिए। तो हम सबको चेक करके देख लेते हैं, किसी में एन ओ या जी ए एक साथ तो नहीं है, नहीं एक साथ तो नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है एंड और फिर लिखा गया है मूवी, तो मूवी हमें यहाँ किसी में भी नजर नहीं आ रहा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट में ना सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये एंड लिखा गया है, ये एंड हमें कहाँ नजर आ रहा है, एंड हमें यहाँ नजर आ रहा है, और एंड आपका और किसी स्टेटमेंट में नहीं है, तो एंड का भी हमारे पास कंफर्म नहीं पता कि एंड का आंसर क्या आएगा। एंड का आंसर आएगा या तो एम ई आएगा या फिर पी आई आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे एम ई लिखा हुआ है, ठीक है एम ई लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में एम ई लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन में एम ई और पी आई दोनों आ गए, तो दोनों नहीं आ सकते हैं एक साथ, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर बाद में डी ऑप्शन में आपको पी आई नजर आ रहा है, फिर आपका ई ऑप्शन है, इसमें ना ही एम ई है और ना ही पी आई है, तो ई ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आंसर बचते हैं, अब यहाँ पे हमें बताना है मूवी, मूवी के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है सी आई, तो ऊपर चेक करना पड़ेगा कहीं सी आई लिखा है क्या, इस वाले में सी आई नहीं है, इसमें भी सी आई नहीं है, इसमें भी सी आई नहीं है और इसमें भी सी आई नहीं है, हो सकता है अपना ए ऑप्शन हो। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं कि ए आई कहीं नजर आएगा, तो ए आई यहाँ पे है, और ए आई का कोड आपका क्या है, ए आई का कोड तो आपका सेकंड है,
तो एआई तो आ नहीं सकता, एआई को हम मूवी नहीं कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका इस वजह से गलत है। सी गलत हो ही चुका है। डी ऑप्शन में दोबारा फिर एआई आ रहा है, लेकिन एआई का आंसर तो सेकंड है, तो डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ कंफर्म होता है आपका आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए आपका कंफर्म हो जाता है। फिफ्थ को चेक करते हैं, फिफ्थ में क्या है, यहाँ लिखा गया है ओल, फिर है कोड और फिर है कॉमन। तो ओल हमारी स्टेटमेंट में कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। फिर हम चेक करते हैं कोड को, तो कोड का हमारा मीनिंग क्या है, जैसे हमने यहाँ एक ऑप्शन में चेक किया था ना कि कोड, कोड का मीनिंग क्या है, के ए, कोड का मीनिंग हमारा क्या है, के ए, ये है आपका कोड। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है कोड, कोड का मीनिंग क्या है, के ए है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी के ए है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ ऑप्शन में कहीं पे भी के ए नहीं लिखा हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन इस वजह से गलत है, पर के ए आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना है कॉमन, और कॉमन है ब्लू कलर में, और आपका जो कॉमन का कोड है, कॉमन का कोड आपका क्या है, ओ ए है। तो ए, ओ ए हमें देखना है, ओ ए हर एक में हमें चेक करना पड़ेगा कि ओ ए किस किस में लिखा हुआ है, तो ओ ए सब में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आता है आपका ओल का, अब हमें चेक करना होगा कि ये जो ओल है कोई ऐसा यहाँ पे होना चाहिए कि ये जो जी यू है ये कहीं और नहीं होना चाहिए, ऊपर वालों में गिवन नहीं होना चाहिए, तो जी यू आपका कहीं पे गिवन नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपका ए ऑप्शन हो। फिर हम चेक करते हैं टी ए, तो टी ए तो लिखा हुआ है, टी ए तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो टी ए का कोड क्या हो सकता है, या तो इज होगा या फिर क्या होगा, नो, तो टी ए का आंसर ओल तो हो नहीं सकता, इस वजह से गलत हो गया। फिर हम एन ओ को चेक करेंगे, तो एन ओ किसका कोड है, एन ओ कोड जो है, एन ओ कोड तो है द का है, एन ओ कोड जो है द का है, तो हम एन ओ को भी टिक नहीं कर सकते। लास्ट में लिखा गया है एम ई, और एम ई कोड आपका किसका है, एम ई कोड है एंड का, तो ये भी नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, ए है। फर्स्ट वाले का ए आंसर है, सेकंड वाले का ए आंसर है, थर्ड वाले का ए आंसर है, फोर्थ का ए है, और फिफ्थ का भी हमारा क्या है, ए है। काफी बच्चों के आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर आ रहे थे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब हमारी टाइप जो है चेंज हो चुकी है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन को आपको बड़े ही समझ से करना पड़ेगा, है ना, और इसका आंसर हमें फिर बताना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा जा रहा है, इसमें लिख रहा है कि ओल इफ ब्लैक, कि आपको बोला जा रहा है इफ ब्लैक इज कोल्ड ब्लू, अगर यहाँ पे कोल्ड का आंसर आ रहा है तो आपका जो है अपने आप आंसर कैसे आ रहा है, बोल रहा है इफ ब्लैक इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड येल्लो, येल्लो इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड वॉयलेट, देन वट इज द कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ऐसे ही हमें यह पहचानना पड़ेगा कि रेड को क्या कहा जा रहा है, तो इसको चेक करके बताइए कि रेड को क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये चेक करो कि रेड को क्या कहा जा रहा है, वहां से अपना आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आंसर आ चुका है भावना, वॉयलेट कलर आ रहा है, ठीक है, बी आंसर आ रहा है वॉयलेट भी। देखो चेक करते हैं कि ब्लड कैसा होता है, ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है आपका रेड, खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है रेड। और अब हमें यहाँ चेक करना है कि रेड को क्या कहा गया है, कि देखिए यहाँ पे चेक करना है रेड को क्या कहा जा रहा है, हमें रेड चेक करना है रेड को क्या कहा जा रहा है, तो रेड को कहा जा रहा है वॉयलेट, रेड को क्या कहा जा रहा है, रेड को कहा जा रहा है वॉयलेट, वॉयलेट यानी कि बैंगनी, तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, वॉयलेट आना चाहिए, यानी कि बैंगनी हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है वॉयलेट, जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है वॉयलेट बिल्कुल सही आंसर है, कि देखो यहाँ बोला जा रहा है रेड,
कि रेड, रेड को क्या कहा जा रहा है, रेड को कहा जा रहा है वॉयलेट। कि यहाँ पे लाल है, लाल को क्या कहा जा रहा है बैंगनी, लाल को क्या कहा जा रहा है बैंगनी। अब जहां पे भी अगर मान लीजिए कोल्ड लिखा हो और हमें क्वेश्चन करना हो ढंग से, तो ये कैसे होगा कि जब कभी भी हमेशा याद रखना एग्जाम के अंदर अगर कोल्ड लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, जैसे कि लिखा है कि ह्यूमन ब्लड आपका कैसा होता है, ह्यूमन ब्लड होता है आपका रेड कलर का, ह्यूमन ब्लड कैसा होता है रेड कलर का होता है। हमेशा जब कभी भी कोल्ड नजर आए तो हमेशा आप नेक्स्ट वाले पे चले जाना, जो भी आपको नेक्स्ट वर्ड नजर आए उस पे आप चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। कि रेड के बाद जो भी लिखा हो, रेड के बाद जो भी लिखा हो आपका आंसर आ जाएगा। कि यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि रेड, तो रेड का आपका क्या आंसर हो जाएगा, रेड का आंसर हो जाएगा आपका वॉयलेट। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, वॉयलेट है। जब कभी भी ऐसा कहा जाए कि को नीला कहा जाए या कोल्ड अगर आपका आता है, तो हमेशा याद रखना कि आपका नेक्स्ट ही होगा, नेक्स्ट ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ चेक करेंगे किसका क्या क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर सबको देना बहुत जरूरी है। पिछले वाले क्वेश्चन में यही था कि जहां पे भी कोल्ड लिखा होगा तो कोल्ड में आपका क्या है उसमें बोला जाए, जैसे कि खून का रंग कैसा है, तो खून का रंग आपका लाल होता है, आपको लाल आंसर नहीं देना है उसमें, लाल से जो अगला होगा वो आपको आंसर देना होगा। ऐसे ही 61 नंबर क्वेश्चन को चेक करके बताइए, इसमें आपका क्या आंसर होगा। ए बी दोनों नहीं होंगे, केवल एक ही आंसर है, बी आंसर था पिछले वाले का, वॉयलेट आपका आंसर था, 60 नंबर क्वेश्चन का वॉयलेट आंसर था। 61 को चेक करके बताइए क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है। Yes, only B. 61 का आंसर बताइए, 61 का आंसर आ रहा है D. हर्ष का आंसर आया, हर्ष का आंसर क्या है D है, हर्ष का जो आंसर आ रहा है वो क्या है D है। चलिए चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। प्रशांत मिश्रा प्रीति दलाल 61 का D, हाँ जी 61 का जो आंसर है हमारा, 61 का आंसर डी ही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, या फिर ये समझें कि सर समझना तो वो जरूरी है। अगर जहां पे भी मींस लिखा होगा तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मींस लिखा गया है तो कभी भी आपको नेक्स्ट नंबर वाला नहीं लेना है। ह्यूमन बॉडी का कलर कैसा है, ह्यूमन बॉडी का कलर, ह्यूमन बॉडी का कलर भगवान जाने आज क्या हो रहा है, क्लास के टाइमिंग पे ही सब कुछ गड़बड़ होती है। सॉरी डियर, आज क्लास नहीं हो पा रही है।